बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है। ये जो पहाड़ देख सकते हैं, इस पहाड़ पर एक मंदिर बताया गया है कि है, पर वो मंदिर छोटा सा है और उस पर अक्सर कोई साधु या कोई होता नहीं है, तो और साथ ही यहाँ कोई ट्रेन नहीं है तो वहाँ जाकर कोई मतलब नहीं है। भगवान जी नमस्ते, यहीं से हम कर लेते हैं और हम यहाँ से अब पूरा गोल घूमने वाले हैं और गोल घूमने के बाद हम जाएंगे उस जगह जहाँ आपको थोड़े बहुत लोग नज़र आ रहे हैं, अगर नज़र आ रहे हैं तो, और उसके बाद हम चढ़ेंगे उस पहाड़ को, देखते हैं कैसा होता है वहाँ का नज़ारा, लेकिन उम्मीद है कि अच्छा ही होगा। स्टैचू हो गया सब। ये देख तो ले रहा हूं मैं, इसका नाम एकदम परफेक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन वीडियो एडिट करते वक्त मेरे ख्याल से मैं इसका नाम जरूर डाल दूंगा, लग तो रहा है मुझे ये पिट वाइपर ही लग रहा है। किधर गया? अंदर गया वो, कुछ दिखा होगा मुझे। ढम ढम, क्या बात है, अच्छा है ना, टुक गाड़ी टुक। चलो जितना अब ओपन लग रहा है आप आगे देख सकते, जो घना दिख रहा है ना, हम लिटरली इस पहाड़ पर उस घने रास्ते से आए हैं। बहुत मुश्किल रहा है, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि उस मुश्किल में ही मज़ा है। अगर कुछ याद रह जाता है तो वो होता है ये एडवेंचर, नहीं तो आसान जगह जाने के लिए तो हम पिकनिक जाते हैं ना, इसलिए पिकनिक नहीं जाता, मैं आता हूँ ऐसे एडवेंचर्स करने के लिए। मेरे ख्याल से ऐसी जगह है जहाँ कोई नहीं आता, कोई भी नहीं। अच्छा है, आप को अगर एडवेंचर ट्राई करना है तो ज़रूर आएँ, और अगर नहीं ट्राई करना है तो मेरे वीडियोज़ के साथ जुड़े रहें, आपको ऐसे कुछ एडवेंचर दिखते रहेंगे। इस तरह के रास्ते होते हैं जो हम अक्सर ट्रैक में, जहाँ हमको रास्ते नहीं दिखते तो हम रास्ते बनाते हैं और चलते जाते हैं, तो बहुत आसान है। अभी तक हमको अगल बगल से थोड़ा बहुत चलना पड़ रहा है, झाड़ियाँ तोड़ कर लिटरली रास्ता बनाना भी पड़ता है कई दफ़ा, जहाँ ज़रा भी जगह नहीं होती है। यहाँ तो बहुत जगह है, ऐसा लग रहा कोई आया था। अच्छा है, ये टॉप पर हैं हम, लेकिन घना है जंगल काफ़ी, इसलिए अभी तक नीचे का नज़ारा साफ नहीं आ रहा, पर दिखेगा, जल्दी दिखेगा।